आदरणीय आदरणीय स्पीकर महोदया, हम इस सदन को बहुत विनम्रता से बताना चाहते हैं कि इस कंट्रोवर्सी के आने के पहले ही मैंने कहा था कि हमारी सरकार इस देश के नौजवानों के इंटरनेट के एक्टिविज्म का अभिनंदन करती है जिसने हिंदुस्तान के आईटी पावर को आगे बढ़ाया। हमारे प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया की कल्पना की है जिसे हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें उनका निर्देश है सारे देश के लोगों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऐसी व्यवस्था हमें करनी है कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रूप से लोगों को इंटरनेट उपलब्ध हो। हमारे प्रधानमंत्री का हमें निर्देश है कि हम सिर्फ ई गवर्नेंस नहीं चाहते, हम मोबाइल गवर्नेंस चाहते हैं कि मोबाइल लोगों के हाथ में गवर्नेंस उपलब्ध होना चाहिए। ये हमारी कल्पना है, इंटरनेट सबों के लिए सबका होना चाहिए। और आपको मैं बताना चाहता हूं, माननीय राहुल गांधी जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, हमारी सरकार न किसी कॉर्पोरेट के दबाव में आती है न कभी आएगी, यह हम विश्वास से कहना चाहते हैं। और इसीलिए माननीय स्पीकर महोदया, मुझे इस हाउस को बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में 1,10,000 करोड़ का ऐतिहासिक राशि हमने कमाई है। पहले क्या हुआ होता था दुनिया जानती है, कोयले में क्या हुआ, लेकिन पूरे नेट न्यूट्रलिटी की कंट्रोवर्सी आने के पहले जनवरी 2015 में ही मैंने अपने विभाग की एक कमेटी बनाई थी और उनको हमने कहा इस पूरे मामले का अध्ययन करो। मई के दूसरे हफ्ते में रिपोर्ट आने की बात कही है। माननीय राहुल गांधी जी, ट्राई को ट्राई एक्ट में विचार करने का अधिकार है, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार रविशंकर प्रसाद का है, नरेंद्र मोदी की सरकार का है। और यह सरकार जब एक कानून की प्रक्रिया है, उनका रिकमेंडेशंस आएगा, टेलीकॉम कमीशन विचार करेगा, फिर मैं निर्णय करूंगा, कैबिनेट निर्णय करेगा। और आज मैं सदन के माननीय सिंधिया जी, राहुल गांधी जी आपसे प्रखरता से बोले हैं, आप जरा शांत रहिए। तो मेरा आपसे कहना है माननीय अध्यक्ष महोदया कि मेरी सरकार इस सदन को आश्वस्त करना चाहती है कि जब प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो देश के 125 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट होना चाहिए, यह हमारा लक्ष्य है, उसके लिए हम बिल्कुल संकल्पित हैं। लेकिन जो कानून की प्रक्रिया है, मैंने अपने विभाग को कहा है दो हफ्ते में रिपोर्ट दें। और एक मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं, आज राहुल गांधी जी इंटरनेट की उपलब्धता की बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगस्त 2012 में किनके ट्विटर हैंडल रोके गए थे, किन कारणों से रोके गए थे, यह भी देश को कभी विचार करना पड़ेगा। हम तो चाहते हैं सबों के पास उपलब्ध हो। और आप चिंता मत करिए, इस देश के नौजवानों का, इस देश के लोगों का इंटरनेट का भविष्य हम पूरा सुरक्षित करेंगे। और एक अंतिम बात, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री के सम्मान की बात थी, अच्छी बात कही। हम ये भी बताना चाहते हैं, दुनिया में सोशल मीडिया में सबसे पॉपुलर लोगों में भारत के प्रधानमंत्री भी हैं और हम सोशल मीडिया का सम्मान करना चाहते हैं। बस इतनी बात मुझे कहनी थी। लेकिन